वो उधर बड़ी नहर है पूरी, और यहाँ पे एक छोटी नहर बना रखी है ताकि आसपास के गांव में पानी जा सके। ओ भाई साहब चिल हो रहा है पानी एकदम। हाथ दो गंगा जी के पानी से, मुँह भी दो। सुबह ही सुबह आशीर्वाद लेना बनता है नए साल के दिन। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और फ्लो मजा करूंगा अपनी लाइफ में। तो आप लोग ऐसे ही बढ़िया रहना, मैं भी एकदम चंगा हूँ। और गाइस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अपने लास्ट व्लॉग की एडिटिंग करके अभी जस्ट यूट्यूब पे अपलोडिंग पे लगाया है, तो जो है अभी ये 77% अपलोड हो चुका है और मतलब 22-23% अभी बाकी है। तो अभी जल्दी से हो जाएगा और फिर थंबनेल वगैरह इसका एडिट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। एंड गाइस आप लोगों को पता है कि आज है लास्ट डे ऑफ दिस ईयर 2021 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है आज। तो ये हमारा साल का आखिरी व्लॉग होने वाला है। अगर जितना मुझे याद है मैंने 23 मई 2021 को अपना पहला व्लॉग डाला था जो कि मेरा हाउस टूर था और उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा था। तो मतलब टाइम का यार पता ही चलता, मतलब कब ये 7-8 महीने गुजर गए यार पता ही नहीं चला, मतलब 2021 खत्म हो रहा है और आज 31 दिसंबर हो चुकी है। मतलब 218 व्लॉग्स मैंने अभी तक अपलोड कर लिए हैं डेली व्लॉग्स, यार क्या बताऊँ मैं, मतलब यकीन नहीं आ रहा मुझे खुद पे। तो गाइस जो भी है मतलब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है, मतलब मेरी यूट्यूब जर्नी जितनी भी रही अभी अराउंड मेरे 1350 के करीब सब्सक्राइबर है टोटल, तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही है। तो गाइस थोड़ा और सपोर्ट करो, आपका नेक्स्ट टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कराओ। मतलब 1300-1400 सब्सक्राइबर मतलब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे इतने भी होंगे कभी, तो अभी फिलहाल लगभग 1300-1400 के करीब है सब्सक्राइबर, तो काफ़ी अच्छा सा फील होता है कि एटलीस्ट मेरी यूट्यूब की जर्नी चल रही है, तो काफ़ी मज़ा सा आ रहा है। और बाकी देखते हैं जर्नी कहाँ तक जाएगी, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मिलियंस भी जाएंगे, तो देखते हैं। अभी तो पहले जो टारगेट है छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। तो अभी जल्दी जल्दी गाइज इस टारगेट को पूरा करवाओ, मैं वेट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और काफ़ी अमेजिंग गिफ्ट आने वाला है 10,000 सब्सक्राइबर पे, तो आप लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जल्दी जल्दी करा दो और फिर हम अपना गिफ्ट जो है रिवील करेंगे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर। तो अभी मेरी वीडियो जो है अपलोड हो गई है, तो मैं जल्दी से इसका टाइटल वगैरह लिखता हूँ, थंबनेल वगैरह डालता हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या अभी चल मुझे थोड़ी देर एडिटिंग कर लेना, फिर मैं तुझसे बाद में खेल लूँगा, ठीक है? मुझे 5 मिनट दे दे बस। हाँ बाद में 5 मिनट में हवा में उड़ाऊँ, तू मन नहीं हो ना बंदर हो गया तो एक नंबर का ना ना। अरे मैं इन ले जा रहा, अबे मुझे काम कर लेना यार सोर्या, तू नहीं मानने का, खांसी और उड़ गई तुझे। अभी एक बार सोर्या को उछाल देता हूँ वहाँ में, नहीं तो ये परेशान करता रहेगा मुझे फिर। अब डिस्टर्ब मत करियो मुझे। तो फाइनली वीडियो का थंबनेल टाइटल वगैरह सब लग गया है और सही से यूट्यूब पे पोस्ट हो गई है, तो तब तक आप लोग एंजॉय करो। वैसे ये व्लॉग तो बाद में आएगा, तो आप लोगों ने पहले देख चुकी होंगी, तो मैं अभी थोड़ा बहुत अपना ऑफिस वर्क कर लेता हूँ और फिर आप लोगों से ऑफिस वर्क करने के बाद मिलता हूँ, थोड़ा सा बाकी है और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। 3 hours later. सो गाइज अभी काम करते करते पूरे जो है 9:10 हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गया काम करते करते, पता ही नहीं चला टाइम का। और अभी लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो अभी भाभी से बोल के अपना डिनर लगवाता हूँ। भाभी डिनर मेरे ही लगा रहे हो क्या? पहले से ही भाभी लगी हुई है काम में, मैंने तो बताया नहीं था, मम्मी ने कह दिया होगा। दो क्या क्या है डिनर में? आलू मटर की सब्जी और ये चटनी, चटनी कम है, गाजर भी है, मैं कैसे लेके जाऊँ, रुको एक सेकेंड। दो चटनी हाँ और चाहिएगी मुझे, कम है। चलो तो अभी तो बढ़िया से मैं पेट पूजा करता हूँ और अभी लगभग 3 घंटे हैं नए साल के, तो 3 घंटे बाद नया साल स्टार्ट हो जाएगा भाई। The next morning. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. चलो 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 उतरो सोर्या, हम पहुंच गए, जहाज नहीं आ रहा, हम घूमना है सुबह सुबह। चलो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मैंने सोचा था कि एज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैं आज जल्दी उठूंगा, तो मैं आज लगभग 8:30 उठ गया था और मैंने सोचा कि चलो घूमने के लिए चलते हैं, नए साल पे घूमना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पूरे साल घूमते रहें, टाइम से उठें, तो कुछ कमियां होती है सब में, कुछ अच्छाइयां होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब से जल्दी उठा करूँगा, तो मतलब पहला दिन सही हो गया और बाकी देखते हैं रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर कैसे जाते हैं।
तो सूर्य भी मेरे साथ है, तो मैं सूर्य को भी अपने साथ ले आया था घूमने के लिए। और सूर्य को अच्छे से मास्क वगैरह पहना के लाया हूँ, क्योंकि एक तो धुंध काफ़ी है और इसको जहाज की लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जहाज दिखाने के लिए लाया हूँ। जहाज नहीं है सूर्य यहाँ पे, हम तो ऐसे घूमने के लिए आए, नए साल है ना आज, आज से 2022 स्टार्ट हो गया है। तो सही है, अपना सेलिब्रेशन यही है कि अपनी जो भी खामियां हैं उन्हें सुधार लो, तो साल तो अपना आप अच्छा हो जाता है फिर। तो अभी घूम के थोड़ी बहुत देर में यहाँ से चलेंगे, थोड़ा टहलते हैं, टहलना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए भी। ना ना मैंने पकड़ता ना 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 ही जहाज नहीं आ रहा आज, देख बच्चे रनिंग कर रहे हैं उधर, चलो आओ आओ, हाथ पकड़ मेरा, हाथ पकड़ मेरा, हाथ पकड़ पकड़ लिया सूर्य ने तो पकड़ लिया। चलो चल सूर्य, रनिंग करेंगे हम भी बच्चों की तरह, चलो जल्दी 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 जॉगिंग करेंगे हम भी थोड़ी थोड़ी सी। मुंह में हाथ को दे रहा है, इतनी फ्रेश एयर बहुत दिनों बाद महसूस किया है सच में, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर से मिल रही है। और धूप भी निकल गई अभी, बस 5 मिनट पहले ही निकली है धूप भी, और ठंड काफ़ी है लेकिन पता नहीं चल रहा। तो घर से सूर्य को तो मैं बिल्कुल पैक करवा के लेके आया था ताकि ठंड ना लगे, भाई बच्चों को ठंड लग जाती है जल्दी। और सही में मज़ा आ रहा है घूमने में, काफ़ी अच्छी अच्छी सी फीलिंग आ रही है भाई, सुबह जल्दी उठ के अच्छा लगता है वैसे, लेकिन वही है मेरा काम इतना लेट होता है ना, 2:30 बज जाते हैं कई बार, तो फिर सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश किया करूँगा जल्दी उठने की ना, मतलब 8:30 तक उठने की पूरी कोशिश रहेगी अब मेरी। अब वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों में, अभी हम कहीं और चलते हैं घूमने के लिए। सूर्य कहाँ पे चले घूमने के लिए बता, जहाज चल, जहाज पे चल रहे, जहाज तो है नहीं, जहाज देखने चल रहे, आओ सुबह सुबह आज जहाज पे घूम के आते हैं, नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करते हैं। जल्दी आओ जल्दी आओ, सूर्य से निकलना आ गया भाई, चलो वो रही अपनी स्कूटी। तो अभी जहाज पे घूम के आते हैं और मज़ा आएगा वहाँ पे भी, बिल्कुल जंगल जंगल सा एरिया है, और मतलब झाल बेसिकली वो है मतलब पानी को रोकते हैं वहाँ पे, तो वहीं चलते हैं आज, काफी दिन हो गए गए हुए। सूर्य घूम के आएगा, जहाज नहीं है वहाँ पे भी, जहाज नहीं है, इसको जहाज की लगी हुई है। सारे डॉगी, जंगली कुत्ते हैं, जंगली सूर्य, बच के निकलना पड़ेगा इनसे, तो बच गए बच गए। एकदम हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, सुबह ही सुबह ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाए भाई साहब, दिन बढ़िया हो जाए। ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है नहर की पटरी तक का, ओ भाई यहाँ स्कूटी नहीं चल रही सही से, बहुत मुश्किल हो रही है स्कूटी चलाने में ना। हमें बस वहाँ तक जाना है जहाँ पे नहर वाला रास्ता है, सूर्य ने एक हैंडल पकड़ रखा है ताकि मैं आराम से चला पाऊँ, पूरा एक्सपर्ट हो रखा है सूर्य भी, है ना सूर्य, इसको भी आ गए स्कूटी चलानी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रास्ता कवर हो जाए बस, वहाँ तक पहुँच गए हम, फाइनली पहुँच गए हैं नहर की पटरी पर। नहर पूरी आ रखी है भाई साहब, ऊपर तक आ रखा है पानी, चलो जहाज पर चलते हैं अभी। Till my shadow turns to sun rays and I... पूरा का पूरा डैम खोल रखा है, ओ भाई साहब ऊपर तक पानी भर रखा है पूरा। चलो सूर्य आओ, चलो सूर्य, कितना सारा पानी है, अच्छा लगा यहाँ पे आके, मजा आया, चलो उधर चलते हैं, पार करके चलते हैं नहर को, वहाँ से चलेंगे डैम के ऊपर से, आओ चलो ध्यान से प्यार से चलो। चलो आगे चलो आगे, बहुत साफ पानी आ रखा है भाई। वो उधर बड़ी नहर है पूरी,
और उधर से रास्ता कटा हुआ है वो एक छोटा डैम है और यहाँ पे एक छोटी नहर बना रखी है ताकि आसपास के गांव में ही पानी जा सके। सोरे तुझे फेंक दूँ नहा ले तू ठंडे ठंडे कूल कूल पानी में, देख कितना सारा पानी है। अच्छा तू कूद जा पानी में, कूद जा पानी में, कूद जा नहा ले यार। क्या हो गया? अच्छा गिल्ला हो जाएगा तू, कोई बात नहीं नहा ले, कोई बात नहीं। नहीं नत्ता चल मत ना, चला दूसरे पुल पे चलते हैं अभी। सूरज बिल्कुल सर पे चढ़ गया, यहाँ से देखो भाई क्या तगड़े नज़ारे मिल रहे हैं भाई साहब, गजब मज़ा आ गया सुबह सुबह यहाँ पे आके ना। चल सो रहे नीचे चलते हैं, हाथ धोएंगे। बस पानी है देख तो ले, नीचे यहीं बैठ जाओ, हाथ धो ले अपने, दिखा मैं धुलाता हूँ। ओ भाई साहब चिल हो रहा है पानी एकदम, हाथ धो बस, ले रुक जा गंगा जी के पानी से मुँह भी धो सुबह ही सुबह, बस ठंडा है पानी। अच्छा जी मैं भी धो लूँ अब, तेरे तो मुँह साफ हो गया, मैं भी धो लेता हूँ ना। हाँ बहुत ठंडा है सो रहा पानी। गंदा कर लिया हाथ तो सो कैसा, चलो अब एकदम फ्रेश हो गया मामला, हाथ मुंह धो के एकदम मजा आ गया। चले सोरिया चलो चढ़ जाएगा अपना, चढ़ जाएगा लगा जोड़ लगा खुद से चढ़, चढ़ो चलो। सॉरी और मैं काफी देर से घूम रहे हैं, अभी 9:30 बज चुके हैं तो अभी घर के लिए निकलते हैं, घर वाले ही वेट कर रहे होंगे और अब तो भूख भी लगने लगी, चलते हैं चलो। छोटे छोटे बच्चे घूमना रखे हैं सुबह सुबह, फिर से खराब रास्ता आ गया, अब फिर से मुश्किलें आएंगे इस रास्ते को क्रॉस करने में। यार ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है ये वाला रास्ता, बहुत इतने बड़े बड़े गड्ढे। ओ ओ कहाँ पहुँच गई स्कूटी, उतरो चलो। नानू तो दुकान बंद है अभी, थोड़ी देर में खुलेगी। चलो घर तो पहुंच गए हैं भाई, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, हिल नहीं रहे बिल्कुल भी उंगलियां। मम्मी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गुड़िया, हैप्पी न्यू ईयर, चाचा को हैप्पी न्यू ईयर कर दे। खड़ी होगी गिर भी गई, लुढ़क गई लुढ़को, डोल रही है डोल रही है पूरी गुड़िया, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल पे खड़ी हो गई, अब तू बहुत जल्दी खड़ी हो जाएगी। चाची को बैठ के दिखा दे प्रिसा, ऊपर देख ऊपर, हाँ ऐसे ध्यान से देख रही कैमरे को। आशीर्वाद लेना बनता है नए साल के दिन, तो हमारा चरण बहुत गर्व करे एक तो, और साथ ही साथ की हम खूब तरक्की करे, बहुत जरूरी है भाई आशीर्वाद लेना बड़ों का, अगर नए साल पे मिल जाए तो पूरे साल जो है आशीर्वाद साथ रहेगा अपने। तो अभी चलते हैं बाहर, भाभी हैप्पी न्यू ईयर, साफ सफाई चल रही है सुबह सुबह, नए साल पे पूरे घर की साफ सफाई हो रही है और डेकोरेट भी करेंगे, उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्या रीजन है डेकोरेशन का। वैसे मैंने आज तक कभी भाभी से आशीर्वाद नहीं लिया, लेकिन आज नया साल है तो आशीर्वाद लेना बनता है, तो भाभी जी आशीर्वाद दो, खुश रहो खुश रहो और भी तो थोड़ा बहुत अगले साल अपनी वाइफ के साथ नहीं। अगले साल फिर कहूंगी नहीं 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 गलत बात, गलत लाइन में जा रहे, गलत लाइन में जा रहे, करियर में फोकस करो, करियर में ग्रोथ करो, विदेश में शिफ्ट करो। अच्छा चलो ये ठीक है, ये ठीक है, शिफ्ट नहीं होना मतलब टेम्परेरी जाना है। सौरभ भी आ गया, सौरभ हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर, क्या लाया सामान लेके आया, खाने मिलने का तो इसे अभी रिवील नहीं करते, वो नेक्स्ट लोगों को पता चलेगा आप लोगों को। मम्मी तो भाई गुड़िया को लेके घूम रही है इधर उधर, ये नहीं सुन रही, चुप रोने लगती है तुरंत। बब्बा जी हैप्पी न्यू ईयर, आशीर्वाद दो बब्बा जी कि हमारा नया साल बहुत बढ़िया बने और हम खूब गर्व करें और खूब तरक्की करें। तो
हाँ पापा को बताना तो पड़ेगा ना क्या क्या आशीर्वाद देना है। पापा बाहर है अभी। ओए सूर्या क्या कर रहा? मैं कौन हलवा रहा नहीं। पापा से भी आशीर्वाद लेते हैं साथ के साथ नए साल पे। पापा जी हैप्पी न्यू ईयर। चलो खुश रहो। और क्या रहा, आज पापा का बर्थडे हुआ है, हैप्पी बर्थडे। तो शाम को सेलिब्रेट करेंगे बहुत। और मैक का भी बर्थडे, हम आज के दिन मैक को 5 साल पहले गए थे। तो मतलब तीन तीन खुशियाँ एक साथ हो रही है। 6 साल हाँ सॉरी 6 साल हो गए मैक को, पूरे 6 साल हो गए। गुड़िया पापा के साथ चले गई, पड़ पापा के साथ। ओए कितने खुश हो रही है तेरी तो ओए प्यारी गुदिया। तो अभी फिलहाल मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया है, एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और व्लॉग 1.5-2 घंटा लेट होने वाला है ये वाला। और गाइस इसके बाद का जो भी होगा आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और मैं पहले बता देता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना न्यू ईयर पापा के बर्थडे और मैक के बर्थडे के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं और एक छोटा सा फैमिली में जो है गेट टुगेदर है। तो मतलब फैमिली मेम्बर सारे के सारे आएंगे तो यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। मतलब नेक्स्ट व्लॉग में कहने वाली बात ये है। तो गाइस ये व्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। एंड साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो गाइस जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।